इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ, मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से गैर हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, आपके लिए छुपने की जगह नहीं है। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूँ कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुल वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस पोशन में ना हराया, तकबर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन, हमें माफ करोगे? वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? एब्सोल्युटली नॉट। आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA में और नैब में केसेस हैं। और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान स्कूल के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। जेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तो गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। ये नाम आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाल्लाह। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आग है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान।